हिमाचल की राजनीति के चाणक्य के नाम से मशहूर पंडित सुखराम के पोते अक्षय शर्मा ने चुनाव से पूर्व सियासी दाव खेल दिया है। मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी अक्षय ने सराज से चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश की है। अपनी दावेदारी के पीछे उन्होंने तर्क दिया है कि सराज कांग्रेस में जारी घमासान के चलते उन्होंने ये निर्णय लिया है। गौरतलब है कि सराज विधानसभा क्षेत्र परंपरागत रूप से कांग्रेस का गढ़ होने के बावजूद पिछले 20 साल से यहां भाजपा का कमल खिल रहा है, जबकि लोकसभा चुनाव में सराज ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र रहा है जहां से कांग्रेस की प्रत्याशी प्रतिभा सिंह को लीड मिली थी। इससे साफ जाहिर होता है कि सराज में कांग्रेस की जड़ें अभी भी मजबूत हैं, लेकिन आपसी कलह की वजह से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सराज में हार का मुंह देखना पड़ता है। अक्षय ने अपने दादा पंडित सुखराम का हवाला देते हुए कहा कि पंडित सुखराम ने हिमाचल कांग्रेस के लिए अपनी उम्र लगा दी। उन्होंने जिला मंडी ही नहीं प्रदेश व देश भर में कांग्रेस का परचम बुलंद किया है, मगर इसके बावजूद मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा आया राम गया राम की बात करना उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने जैसा है। अक्षय शर्मा ने बल के विधायक अबकारी मंत्री प्रकाश चौधरी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने वीरभद्र सिंह के चुनाव न लड़ने की स्थिति में चुनाव न लड़ने की बात कही है, मगर बल से इस हीरे को तलाशने वाले पंडित सुखराम ही थे। उन्होंने हिविंका के टिकट पर उनसे चुनाव लड़ाया और बाद में गठबंधन सरकार में मंत्री भी बनवाया। अक्षय ने कहा कि अगर सराज में कांग्रेसियों की एकजुटता होती है या फिर विक्रमादित्य यहां से चुनाव लड़ते हैं तो वे चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि उनके लिए कार्य करेंगे। अक्षय ने कहा कि पंडित सुखराम ने पार्टी हाईकमान से कहा है कि अगर उनकी मर्जी के टिकट आवंटित किए गए तो वे मंडी जिला में चुनाव कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार भी करेंगे। मैं कहना चाहूँगा पहले कि आज हमने मंडी में एक प्रेस वार्ता का संगठन बनाया था। इसका मूल उद्देश्य ये था कि लगभग एक वर्ष पहले मुझे सराज विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई, वहाँ पे अथक प्रयास करने के बावजूद भी एकजुट कांग्रेस पार्टी वहाँ पे नहीं हो पा रही है और मुझे ऐसा लगता है कि सराज एक ऐसी विधानसभा क्षेत्र है जहां पे कांग्रेस पार्टी विजय हो सकती है। उसके संदर्भ में आज मैंने पार्टी के समक्ष सबके हाईकमांड के समक्ष सराज से अपनी दावेदारी पेश की है, जिसके अंतर्गत अगर पार्टी मुझे काबिल समझती है तो और सराज की जिम्मेवारी देती है तो मैं सराज से कांग्रेस पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, और अगर पार्टी किसी और व्यक्ति को ज़्यादा काबिल समझती है तो उसके लिए भी मैं उतनी मेहनत करके सराज क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में कार्य करूँगा और कांग्रेस पार्टी को वहाँ पे जीत दिलाने के लिए पूरा प्रयास करूँगा। पंडित सुखराम जी ने हाईकमांड के समक्ष ये बात रखी है क्योंकि वे उम्र के इस पड़ाव में है कि हो सकता है अगली बार चुनाव में वो इतनी सक्रिय भूमिका ना अदा कर पाए, इसलिए इस बार कांग्रेस पार्टी के लिए हित के लिए जहां जहां पार्टी को आदेश करेगी वहां पर वो सक्रिय भूमिका अदा करेंगे और खासकर मंडी जिला में उनका विशेष ध्यान रहेगा कि कांग्रेस पार्टी को बढ़ चढ़ कर यहाँ से कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट विजय हों और फिर से कांग्रेस पार्टी का जो मिशन रिपीट है वो पूरा हो।